आज हम छत्तीसगढ़ में कोयला, कोल इन छत्तीसगढ़, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो कोयला के भंडारण एवं उत्खनन में भारत में छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। छत्तीसगढ़ में कोरबा, रायगढ़, सरगुजा तथा कोरिया में कोयले के भूमिगत एवं खुली खदानें मिलती हैं। कोरबा जिले में रजगा गामर जो है, बगदेवा है, सुरका कछार है, बांकी मोगरा है। यहाँ पर की जो खदान है उसमें G4, G5 ग्रेड का कोयला प्राप्त होता है। इसके अलावा गेवरा, दीपिका और कुसमुंडा की खदाने में G11 यानी ग्रेड 11 की जो कोयला है वो प्राप्त होती है। ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और CSEB छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होता है, वहाँ पर जो तापी संयंत्र लगा है इसमें कोयले का उपयोग किया जाता है। आप लोग सुने भी होंगे जो CSEB छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वहाँ से विद्युत उत्पन्न की जाती है, इसको करते हैं। इसके अलावा जो एल्युमिनियम संयंत्र बालको, इस्पात संयंत्र भिलाई, तापी एवं इस्पात जो संयंत्र रायगढ़ व रायपुर की सिलतरा में स्थित औद्योगिक संयंत्रों में कोयले का उपयोग भी किया जा रहा है। इस प्रकार विभिन्न उपयोगों के कारण इसे काला हीरा के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात कोयले को काला हीरा कहा जाता है। पेट्रोलियम जो है वो दो शब्द से बना है, जिसका पहला शब्द है पेट्रा अर्थात चट्टान, और दूसरा है ओलियम अर्थात तेल, चट्टानों का तेल। ये दो शब्द है पेट्रा और ओलियम अर्थात चट्टानों या उसका तेल। ठीक है, तो पेट्रोलियम कैसे बना यह हम जान चुके हैं, लेकिन पेट्रोलियम तैली गहरे रंग का एवं विशिष्ट गंध वाला एक द्रव होता है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे बहुत गहराई में पाया जाता है। ध्यान देंगे, पेट्रोलियम का एक निश्चित जो रासायनिक सूत्र वो नहीं होता, क्योंकि यह कई हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। इन हाइड्रोकार्बन का जो पृथक्करण है वो साधारण जो आसवन विधि होता है उससे भी इसका आसवन नहीं किया जा सकता है। जो पेट्रोलियम है इसका साधारण आसवन विधि से, इसके जो आसवन है एक विशेष प्रकार की प्रभाजी आसवन, उसके द्वारा इसका आसवन करते हैं। ठीक है, जो पेट्रोलियम का प्रभाजी आसवन है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, इसमें देखेंगे कि जब हम बर्तन में पानी को गर्म करते हैं तब वाष्प बनती है। यदि इस बर्तन को किसी ढक्कन से ढक दें तो उसके अंदर पानी का कुछ बूंदे दिखाई देती है, यह प्रक्रिया आसवन कहलाती है। तो इसमें भी क्या है, दो द्रवों के जो मिश्रण के आसवन को समझने का प्रयास करते हैं जिसको प्रभाजी आसवन कहा गया है। तो इस आसवन की प्रक्रिया में अगर दो द्रव के जो मिश्रण है उसको गर्म किया जाता है तो दोनों वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, और वाष्प को ठंडा करने पर वे पुनः द्रव में बदल जाते हैं। इसी में क्या है, जो पेट्रोलियम है उसका आसवन करते हैं तो सामान्य ताप जो है उस सभी द्रव लगातार वाष्पित होते रहते हैं, परंतु जब उन्हें गर्म करेंगे तो वाष्प की जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है, और वाष्प की यह मात्रा द्रव की क्वथनांक के व्युत्क्रम पाती होती है, अर्थात जिस द्रव का जो क्वथनांक कम होगा उसकी वाष्प अधिक बनेगी और उच्च क्वथनांक वाले द्रव का वाष्प कम बनता है। तो इस वाष्प को ठंडा करने पर जो निम्न क्वथनांक वाले द्रव है वो अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, उच्च क्वथनांक वाले द्रव की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, इसमें जैसे दो द्रव के बारे में हम लोग एक लेते हैं, मान लो द्रव ए, ठीक है, द्रव ए प्लस द्रव बी, ठीक है, तो द्रव ए को हम क्या बोलेंगे, मान लो निम्न क्वथनांक वाले द्रव बोलते हैं, ये निम्न क्वथनांक वाले द्रव है और ये उच्च क्वथनांक वाले द्रव है, उच्च क्वथनांक। ठीक है, जब इसका आसवन कराया जाता है या गर्म करते हैं जब इसको, द्रव ए और द्रव बी जो निम्न क्वथनांक और उच्च क्वथनांक है, तो इसको गर्म करने पर
ये क्या होता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और ए जो द्रव ए है वाष्प से ज्यादा बनता है और बी द्रव से वाष्प कम बनता है। तो ये दोनों वाष्प हुआ ए से ज्यादा और बी से कम वाष्प बना, ठीक है। फिर अब जब इसको ठंडा करेंगे, ये जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया ठंडा होती है, इसको ठंडा करने पर ये क्या होगा, ए द्रव की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और बी द्रव की मात्रा कम होगा, ये द्रव प्राप्त होगा। तो इसमें भी ए ज्यादा और बी जो द्रव है वो कम, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके जो आसवन है उसे कराने से हमको दो तरह से द्रव मिले। तो यदि हम दोनों द्रव को पूरी तरह से पृथक करना चाहते हैं तो आसवन की प्रक्रिया को बार बार दोहराना पड़ता है या दोहराना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि पेट्रोलियम कई हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसके क्वथनांक में बहुत कम अंतर होता है, ऐसे मिश्रण के घटकों को साधारण आसवन विधि के द्वारा पृथक करना कठिन होता है, अतः इसके लिए विशेष उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिसे प्रभाजक स्तंभ कहा गया है या प्रभाजक स्तंभ कहते हैं। तो इस प्रकार दो या दो से अधिक मिश्रणी द्रवों को जिसकी क्वथनांक के मध्य बहुत कम अंतर होता है पृथक करने की विधि प्रभाजी आसवन कहलाती है, ठीक है। तो ये इस डायग्राम में देखते हैं, ये प्रभाजी आसवन है, ठीक है। प्रभाजी आसवन में जो डायग्राम है वहां यहां का जो तापमान है 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसमें गर्म जो कच्चा तेल है यहां से प्रवाहित किया जाता है, गर्म कच्चा तेल, ठीक है, गर्म कच्चा तेल 600 डिग्री सेल्सियस ताप पर वहां से प्रवाहित हो रहा है। तो ये ताप जो है वो वाष्प और ये द्रव, जो वाष्प ऊपर की ओर जाएगा और द्रव जो है वो नीचे की ओर आएगा, ठीक है। इसमें दो तरह से दिखाई देगा, ये यहाँ पर एक निकास लगा है, यहाँ पर निकास 62 डिग्री सेल्सियस दिया है, यहाँ का निकास 170 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का निकास 250 डिग्री, 340 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस, और अलग अलग निकास से अलग अलग पदार्थ जो है वो बनता दिखाई दे रहा है। यहाँ पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, नेफ्था, केरोसिन गैस, तेल यानी डीजल जो है, स्नेहक तेल है, ईंधन तेल है, अवशेष। तो इसमें देखते हैं जो पेट्रोलियम जो बनता है वो पेट्रोलियम जैसे ब्यूटेन और प्रोपेन है, इसका उपयोग एलपीजी ईंधन में और टायर उद्योग में करते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो यहाँ पर है पेट्रोल, पेट्रोल का उपयोग मोटर कार में ईंधन के रूप में करते हैं और शुष्क धुलाई के लिए करते हैं। इसी प्रकार जो नेफ्था है, नेफ्था दिया हुआ है तो रासायनिक यौगिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है नेफ्था, जैसे नेफ्थलीन। उसी प्रकार केरोसिन है जो घरेलू ईंधन में और जेट वायुयान में इसका उपयोग करते हैं। फिर दिया है गैस तेल यानी डीजल, जो डीजल है उसका भारी वाहन रेलगाड़ी के इंजन में ईंधन के रूप में इसका उपयोग, जनरेटर के लिए इसका उपयोग करते हैं। फिर स्नेहक तेल जो दिया हुआ है, स्नेहक तेल जो है या मोम जिसको कहेंगे, तो मशीनों में स्नेहक तेल जो मोमबत्ती, वैसलीन, ग्रीस, जूता पॉलिश आदि बनाने में काम आता है, ये भी एक पेट्रोलियम है। उसके बाद जो ईंधन तेल है उसका उपयोग जहाजों, भट्टियों तथा बायलरों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। फिर अवशेष है, जो लास्ट जो अवशेष बच जाता है, तो इस अवशेष का उपयोग टार, एस्फाल्ट बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन के लिए सर्वप्रथम कच्चे तेल को भट्टी में गर्म करते हैं और वाष्पों को प्रभाजक स्तंभ के निचले भाग में पहुंचाया जाता है, ये यहाँ पर गर्म करते हैं और उसको निचले भाग तक पहुंचाया जाता है। तो वाष्पों का यह मिश्रण स्तंभ में ऊपर की ओर उड़ता है और संघनित होकर द्रव जो है वो नीचे की ओर आता है, है ना, और वो नीचे की ओर जैसे ही आएगा तो स्तंभ में आसवन की क्रिया लगातार ये चलती रहेगी, क्योंकि गर्म वाष्प के कारण संघनित द्रव पुनः वाष्प में बदल जाता है। इस प्रकार निम्न जो क्वथनांक वाले यौगिक है स्तंभ के ऊपर की भाग में आश्रित हो जाते हैं और अलग एकत्र कर लिया जाता है। स्तंभ के ऊपर जो है वो नीचे क्रमशः निम्न क्वथनांक से उच्च क्वथनांक वाले द्रव को पृथक कर लिया जाता है। इस प्रकार अलग अलग क्वथनांक वाले जो प्रभाजक है वो उसको पृथक किया जाता है, वह पृथक हो जाता है, ठीक।
इस प्रकार यहाँ देखा कि पेट्रोलियम के जो प्रभाजी आसवन से विभिन्न ताप पर कई महत्वपूर्ण पदार्थों की प्राप्ति होती है, इसे पेट्रो रसायन कहा गया है, जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। आधुनिक समय में हम देखेंगे कि कई उद्योग है इन्हीं पदार्थों पर आधारित होती है। ठीक, इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रो रसायन, रिसाइक्लिंग ऑफ प्लास्टिक, ईंधन का दहन, कंबशन ऑफ फ्यूल्स, और इसमें देखेंगे जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव, जीवाश्म ईंधन का संचरण, कंजर्वेशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।